नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल प्रशांत एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे हमारा ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसके बेसिकली क्या आता है, रूट का रूट होता है, ठीक है। तो हम उसको सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम रूट को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। उस हिसाब पहले हम वो देखेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो सिंपल सा चीज़ें हैं जिसमें हमें क्या है, कंडीशन है, सीधे मैं रेशनलाइजेशन आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या से क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहले देखिए हम रूट को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों हमारे पास क्या है, अगर जो कोई भी एक नंबर है, कोई भी दो मतलब सेम नंबर है और दो बार रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए रूट ए इंटू क्या है, रूट ए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों नंबर देखिए कहाँ पर, ये रूट के अंदर है। तो जब भी दो नंबर, जब एक नंबर कोई भी एक पेयर में क्या हो, रूट के अंदर हो, कोई भी एक नंबर, मैंने क्या बोला आपको, कोई भी एक नंबर क्या हो, रूट के अंदर किस में हो, पेयर में हो, ठीक है। जैसे ए और ए दो मतलब ए दो बन गए तो एक पेयर बन गया। तो इस पेयर में से क्या होगा, एक नंबर को हम बाहर निकालेंगे, जैसे कि ए। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, अगर जो कोई भी एक हमारे पास नंबर है, मान लीजिए जैसे 3 × 3, ठीक है, ये दोनों रूट के अंदर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 3, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं बाहर, रूट में जो दो नंबर है तो एक नंबर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए, अगर जो कोई भी एक डिफरेंट नंबर, कोई भी हमारा डिफरेंट नंबर, जैसे मान लीजिए ए इंटू रूट में बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या होगा, हम इसको एक ही रूट के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ए इंटू बी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है √3 × √2, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, √6 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों, अगर जो हमारे पास क्या है, कोई कोई एक नंबर ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, मान लीजिए 8/9, ठीक है, तो ये दोनों होल रूट में, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं √8/√ क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम इसको इस हिसाब से सेपरेट करके लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा जो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, यूज़फुल होता है। अब मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है √a माइनस में √b, ठीक है दोस्तों, और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई में ही है √a प्लस में क्या है हमारे पास √b, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई में ही है। सबसे पहले देखिए, आप सभी ने ये इसको देखने से पहले एक चीज़ देखिए कि आपने ये देखा होगा a माइनस में b और a प्लस में b, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी ऐसा कुछ कुछ नहीं है, यही हम यही फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए a हमारा √a हो गया और b हमारा √b हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, √a का स्क्वायर, b का स्क्वायर इसका मतलब √b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर स्क्वायर से देखिए ये √ क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस में क्या आ जाएगा, हमारे पास a माइनस क्या आ जाएगा, हमारा b हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √a माइनस में √b हो, और अगर जो हमारा ऐसा लिखा हो √a प्लस √b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम a माइनस में b, ठीक है दोस्तों। सिंपल एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर जो √5 माइनस में √3 है, और दूसरा देख लीजिए जो √5 माइनस में √3, ये हमारा प्लस में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 − 3 कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर जो हमारे पास मतलब सेम है लेकिन डिफरेंट साइन में है, अब हमारे पास सेम नंबर नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर हैं, हो सकता है दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन में हो सकते हैं, ठीक है, वो तो केस पर डिपेंड करता है कि क्या आता है हमारा। ये देखिए, अगर जो मान लीजिए हमारे पास ये है √a प्लस √b, दूसरा हमारे पास हो गया √c प्लस √d, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था एक केस की दो डिफरेंट नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर जो ऐसा है तो हम एक से पहले c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, d को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसी तरह हिसाब से हम b को पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम d से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि a √b, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा था हमारा, ab आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, a मल्टीप्लाई √c, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा √ac हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए, √a √d को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, √ad हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, √b और √c को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, √b, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये c हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी हिसाब से हमारे पास देखिए दोस्तों,
क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है हमारे पास अंडर रूट बी और डी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट बी डी, क्या होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन होके आ जाएगा, ठीक है। अगर जो अगर जो यहाँ पे माइनस होता तो हम इन दोनों में क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते हैं, इस हिसाब से माइनस और प्लस हम साइन पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक केस आता है कि जैसे कि हमारे पास ये तो एक तो हमारा हमारा एक केस ये वाला बन गया, ठीक है, कि सेम नंबर हो लेकिन डिफरेंट साइन में हो। दूसरा केस लाया था दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो, ठीक है। अब ऐसा बनता है कि दोनों ही सेम नंबर आता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपके पास, फिर से यही आ गया हमारे पास अंडर रूट ए, और यहाँ पे आ गया हमारे पास अंडर रूट बी, ठीक है, ऐसे प्लस में आ गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, अब इसके अंदर थोड़ा हम ये वाला रूल लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने ये पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या पढ़ा था हमने बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, और यह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा ए आ जाएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी करके ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें सिंपल अगर हमें कहीं ऐसा दिखता है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस में 2 अंडर रूट ए बी, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से अगर जो हमें माइनस दिखता है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले से पुट करते हुए हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ए प्लस बी माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट ए बी। माइनस क्यों आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, अगर जो हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा माइनस 2ab, तो हमारा इस हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमारे पास जो भी कंडीशन बन रहा था वो हमारा सॉल्व हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ केस पढ़ के देखेंगे कि हमारा किस हिसाब से इसके अंदर हमारा आता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो पहला केस है, मान लीजिए आपके ऊपर आपको अंडर रूट इसके ऊपर कुछ भी नहीं देगा, कोई भी एक अंडर रूट ए माइनस में क्या देगा अंडर रूट बी, ठीक है दोस्तों। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जब भी हमारे पास दो पार्ट मिल जाते हैं इसके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो पार्ट हो गए इसके, तो इनके बीच में जो साइन है उसका क्या करेंगे, अपोजिट साइन से क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि माइनस है तो हम क्या किससे करेंगे, हम यहाँ पे प्लस से क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आ जाएगा हमारे पास, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास एक फार्मूला बनेगा। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था, कौन सा वाला फार्मूला पढ़ा था हमने, ये वाला पढ़ा था, देखिए दोस्तों ये इससे पहले हमने ऊपर वाले में ये वाला फार्मूला पढ़ा था, क्या बनता ए माइनस बी हमारा इस हिसाब से बन रहा था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यही केस बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, चाहे आप कैसे भी रैशनलाइजेशन करिए आपका ये कंडीशन नीचे हमेशा फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए माइनस में अंडर रूट बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर जो हम एक प्लस का लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस से करेंगे, तो क्या होगा अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी अपॉन में ये फिर से सेम बन जाएगा अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल आप माइनस और प्लस को देख के भी आप बता सकते हो कि क्या आपका होगा, ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चन लेके करते हैं, मान लीजिए देखिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है, ऐसे हमारे दे रखा है अंडर रूट वन दे रखा है, और अपॉन में क्या दे रखा है आपको इस हिसाब हम अपॉन में दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है क्या दे रखा है हमें अपॉन में अंडर रूट मतलब मान लीजिए 7 माइनस में अंडर रूट 5, ठीक है दोस्तों। इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे,
मान लीजिए हमारे पास ये माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस से क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा हमारे पास, आपको पता है कि हम जब भी 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर हमारा आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 7 से अंडर रूट कट जाएगा 7 माइनस में 5। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, ये क्या आ जाएगा आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से हम एक प्लस वाला भी देख लेते हैं कि किस हिसाब से होगा। इसी को हम अगर जो प्लस कर दें, मान लीजिए अगर जो अंडर रूट यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर रूट ये लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्लस से तो हम कैसे करेंगे माइनस से करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो जाहिर सी बात है वही नंबर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, हमें इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3, 5 का स्क्वायर कट जाएगा 5 माइनस में क्या आ जाएगा 3, तो बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2, ऐसे करके क्या आ जाएगा हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे देखिए अब जो हमारे पास जो दूसरा अब जो हमारा दूसरा केस आता है वो आता है दोस्तों थोड़ा अच्छा ही है वो। ठीक है, देखिए हमारा जो दूसरा केस आता है क्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है कि सेम नंबर है बट डिफरेंट डिफरेंट बट डिफरेंट साइन में क्या है वो है। देखिए जैसे मान लीजिए ए माइनस में अंडर रूट बी दे दिया आपको और दूसरा दे दिया आपको अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपको दे दिया, अब इसको क्या करना है आपको रेशनलाइज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किस हिसाब से करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर जो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस है यहाँ पर, किससे करेंगे हम नीचे या ऊपर, नीचे और ऊपर में से कोई सा भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, आप दोनों में से किसी भी एक नंबर से क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके न्यूमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को दोनों को। ठीक है दोस्तों, दोनों से करना होता है, लेकिन देखिए जैसे मैं नीचे से कर रहा हूँ यहाँ प्लस से तो हम माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो देखिए अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस बन गया, तो यहाँ पे फिर से वही बन गया हमारे पास कौन सा केस बन गया, ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस में क्या लिख सकते हैं हम इसे अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों ऊपर हमारे पास कौन सा केस बन गया, हमारे पास ऊपर ऐसा ऊपर हमारे पास एक ऐसा केस बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, सिंपल यही हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने पीछे भी इसको कर रखा था, तो पीछे हमने करा था क्या आ रहा था हमारे पास ये आ रहा था ए प्लस बी माइनस में 2ab अंडर रूट में क्या आ रहा था हमारे पास 2ab आ रहा था हमारे पास, और अपॉन में क्या लिख देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस में बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया इस हिसाब से फैक्टर ए है क्या हो गया हमारा रेशनलाइज हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी पर अगर जो है एक एग्जाम्पल लेके देखें तो मान लीजिए आपके पास रूट 5 माइनस में रूट 3 अपॉन में आपको देखा रूट 5 प्लस रूट में 3। ठीक है दोस्तों, तो हम मल्टी क्या करेंगे हम इसको रेशनलाइज करना है, जैसे कि हमारे पास क्या है नीचे, तो नीचे क्या है दोस्तों हमारे पास नीचे हमारा प्लस है तो हम इसको माइनस से कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास रूट 5 माइनस में रूट 3 अपॉन में रूट 5 माइनस में रूट में 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको फिर से यहाँ देख रहे हैं हमें होल स्क्वायर बन गया, तो रूट 5 माइनस में रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन रहा है दोस्तों हमारे पास अपॉन में हमारा ये बन रहा है कि ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या हो गया हमारा ये होल स्क्वायर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि ए अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो आपको जब उसको याद रखोगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं मैं 5 + 3 माइनस में 2 अंडर रूट में क्या होगा अगर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना 15 हो जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों ये हमारा आ जाएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये हमारा आ जाएगा दोस्तों -3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 5 जैसे हमें नंबर दिख रहा है उसको हम प्लस कर देंगे 5 और 3 क्या आ जाएगा 8 माइनस में 2 अंडर रूट 5 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास ये देखिए दोस्तों ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 में से 3 जाएगा कितना मिलेगा 2।
ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर जो हम इसको और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या लेंगे, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे टू है यहाँ पे, टू किसके टेबल, टू के देखिए टेबल कितना है, 4 बार, 4 टाइम, 2 4 8 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 2 4 8 में भी आ रहा है 2, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 हमारा आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस में अंडर रूट 5 बचेगा हमारे यहाँ पे, और अपॉन में 2, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस में अंडर रूट में क्या आ गया हमारा, 5। ये क्या आ गया हमारा, एक आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही यही केस हमारे पास क्या होता है दोस्तों, प्लस वाला देख लीजिए, मैं आपको खाली बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा उसके ऊपर, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए प्लस अंडर रूट बी प्लस, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास ए माइनस में अंडर रूट बी, ठीक है दोस्तों। सिंपल है ये भी, इससे क्या करना है हमें, खाली इसमें प्लस से क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, तो ए प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस ए प्लस में क्या हो जाएगा, बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए लाइन खींच देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमें ए माइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, सेम अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला था ए प्लस में क्या था हमारे पास, ए प्लस क्या था हमारे पास दोस्तों, ये था हमारे पास ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन में क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस में बी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया था, ये प्लस वाले का केस हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ देखते हैं, जो हमारा जो जितना भी था हमारे पास ये कवर, अभी एक और केस रह रहा है, ठीक है दोस्तों, हम उस वाले केस को भी देख, एक और केस है दोस्तों, थर्ड केस है, जो इसका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसी से क्या आता है हमेशा, मतलब जैसे आपका पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली इसी से बना के हमको देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर ये है अंडर रूट ए, ठीक है, अंडर रूट ए कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, जो जैसे मान लीजिए आपको प्लस दे दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस दे दिया अंडर रूट प्लस, और यहाँ पे दे दिया अंडर रूट बी, और दूसरा ये इसके इसका से दे दिया दोस्तों, यहाँ पे दे दिया अंडर रूट सी माइनस में अंडर रूट डी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट नंबर है, ठीक, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस, जितने हमने पीछे देखा है सब में सेम सेम नंबर था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि हमें कोई भी ले लो, आप नोमिनेटर लो चाहे डिनोमिनेटर लो, आपकी मर्जी है, तो हम बेसिकली डिनोमिनेटर से करते हैं, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम किस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट सी प्लस में अंडर रूट डी अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट सी और अंडर रूट प्लस में डी, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर देखिए हमारा यहाँ पे अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा, हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट में डी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, नीचे वही सेम फॉर्मूला, अंडर रूट सी का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट डी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने पीछे भी जहाँ पीछे देखो, पीछे मैंने शुरुआत में ही आपको मैंने इसको सॉल्व करना बताया था कि ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को डी से मल्टी, ए को डी के से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को सी से, और फिर बी को डी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किसी भी एक नंबर से दोनों नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसे पता था कि इसको हम ऐसा बनेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए सी प्लस में अंडर रूट ए डी प्लस में अंडर रूट बी सी प्लस में अंडर रूट बी डी, बी डी आ रहा था हमारे पास अंडर रूट, और यहाँ पे इसका नीचे क्या आ रहा था अंडर रूट सी माइनस में अंडर रूट डी, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा हमारा अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट केस है, तीसरा वाला थर्ड केस है हमारा, ठीक है। तो ये थर्ड केस क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी वे से क्या आता है हमारे पास क्वेश्चन आता है। जैसे हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपको इस हिसाब से दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको हम एक हम एक क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में आपको दे दिया अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इसको माइनस मत कीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए माइनस कर दीजिए, हो सकता है दोनों दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो हम इसको क्या करें, प्लस से अंडर रूट क्या आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है दोस्तों। अब नीचे देखिए, नीचे क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3
का क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये बन होल स्क्वायर नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारे पास अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा कितना होता है 35 हो जाएगा हमारे पास ये। यहीं पे देखिए फिर दोस्तों 5 5 जा 25 हो जाता है हमारे पास, तो ये हमारा 25 आ गया, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 7 3 जा 15 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 माइनस में 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब हाँ हमारा अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 रूट से बाहर नहीं निकल रहा लेकिन 25 निकल रहा, तो हम जो जो हमारे रूट से बाहर निकले उसको निकाल लेंगे, क्योंकि जो 25 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 5 प्लस में क्या आ गया हमारा 21 प्लस में क्या आ गया 15। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा क्या आएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा क्या था एक जनरल 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 फॉर्म था जिसका जिस हिसाब से क्या था हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन रैशनलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9th क्लास का जो पेपर उठा के देखिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, रैशनलाइज करो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो हमारे प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अंडर रूट 7/5 और 5/x बराबर क्या दे रखा है हमें p/7, तो हमसे वैल्यू क्या मांगा कि p की वैल्यू क्या होगी, p का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है पी अंडर रूट 7 बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 5/x दे रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों हमें 5/7 दे रखा है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा पी अंडर रूट 7 बराबर में क्या हो जाएगा 5/7/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा 5 है ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी अंडर रूट 7 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा दोस्तों 25/7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो गया हमारा, अब इसको क्या करना है हमें, अब हमें इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 7 को रिमूव करना, अगर जो मैं इसको 7 को यहाँ पे भेजूंगा तो ये अंडर रूट 7 7 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पी की वैल्यू बनानी है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले केस एक देखते हैं हम, सबसे पहले केस एक ये है हमारा दोस्तों, हम क्या करें इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो पी अंडर रूट 7 बराबर क्या हो जाएगा 25/7 मल्टीप्लाई बाय 7/7 में क्या हो जाएगा हमारा 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जैसे एक नंबर सिंगल नंबर से कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी अंडर रूट 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 25√7/7 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 7 7 √2 हो गया, तो हमारे पास 1 7 बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों सामने सामने क्या होगा, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगा 25/7 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मतलब केस नंबर 2 देखिए दोस्तों, केस नंबर टू क्या होगा, अगर हम केस 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी अंडर रूट 7 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था दोस्तों हमारा 25√7 था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पी 7 है, हम इसको नीचे भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में ये नीचे आएगा, किस में आएगा डिवाइड में, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में रहता है नंबर उधर जाता है, बराबर को उधर जाता है, तो किस में जाता है दोस्तों हमारा डिवाइड में। ठीक है दोस्तों, अब पता होना चाहिए कि प्लस का है बराबर किधर माइनस में जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस में जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई का उधर किस में जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड का उधर किस में जाता है दोस्तों प्लस में जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखिए किस में आएगा डिवाइड में, तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 25√7 मल्टीप्लाई में √7। ठीक है दोस्तों, डिवाइड में आ गया, तो देखिए दोस्तों ये वाला फॉर्म हो गया हमारे पास नीचे वाला, तो क्या होगा पी बराबर में क्या हो जाएगा 25/7 क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे वो सा मेथड आप अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है कि a बराबर में क्या दे रखा है √3 + √2/√3 − क्या दे रखा है आपको √2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही बी बराबर क्या दे रखा है आपको √3 − √2/ क्या दे रखा है √3 + √2। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू a² + b² ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इस हिसाब से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या फाइंड करना है a² + b² की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम सीधे स्क्वायर नहीं कर देंगे, सबसे पहले हम a को रैशनलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे ही हम a को रैशनलाइज करेंगे तो a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास √3 + √2 दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है हमारा √3 − √2। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो माइनस से तो हम प्लस से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रूट थ्री प्लस रूट टू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको क्या, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का क्या हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको मैंने बता रखा था कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आप देखो जो पढ़े हो अगर जो आपको याद रहेगा वो, तो आप सिंपल यहाँ ले सकते हो, थ्री प्लस टू रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास, टू रूट सिक्स। ठीक है, प्लस में करके क्या लगा जाएगा, टू रूट सिक्स हो जाएगा, प्लस प्लस लगा देंगे यहाँ पे, थ्री माइनस टू हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, फाइव प्लस टू रूट सिक्स हो जाएगा, अपॉन में माइनस वन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास, ये ए की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फाइव प्लस टू रूट सिक्स, तो हमारे इक्कीस की वैल्यू आ गई, हमारी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको इसको दोस्तों देखो, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार, क्या था हमारे पास, हमें पता था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, टू अंडर रूट में क्या होगा, हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए होगा टू और रूट टू को सिक्स, मतलब क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिक्स आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आ गया। ऐसे ही हमारे पास क्या है दोस्तों, बी है, तो बी बराबर क्या रखा था हमारे पास, ये प्लस यहाँ पे रूट थ्री माइनस में रूट टू अपॉन में क्या है दोस्तों, रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस से कर देंगे, तो क्या आएगा, रूट थ्री माइनस में रूट टू अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट थ्री माइनस में रूट टू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सेम बी बराबर क्या बन जाएगा, रूट थ्री माइनस में रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस में रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो बी बराबर देखिए ये माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा जिस हिसाब से ये हमारे पास पता है हमको कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, तो थ्री प्लस टू हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट सिक्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होगा, टू माइनस वन, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। अब मैं सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है, पेपर में इतना ज़्यादा करके दिखाना नहीं होता है कि क्या, लेकिन यहाँ पे ये लिख दीजिएगा तो कन्फ्यूजन ना हो। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फाइव माइनस में टू रूट सिक्स अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी बराबर क्या हो गया, माइनस में टू रूट में सिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है क्या, अभी ए और बी निकालना है। ठीक है, तो इस हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने से पहले हम कुछ कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम ए और बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी निकालने के लिए क्या, ए की वैल्यू क्या थी, रूट थ्री प्लस रूट टू था हमारे पास, और ये क्या था, रूट थ्री माइनस रूट टू। ठीक है दोस्तों, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन में क्या था हमारे पास, रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है, देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस से प्लस कट जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा वन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर जो हमारे ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू फाइव प्लस टू रूट सिक्स आई है, बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी दोस्तों, ये आई है हमारा फाइव माइनस रूट सिक्स आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर जो ए प्लस बी निकालूँ मैं, क्या निकालूँ, ए प्लस बी, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा दोस्तों, फाइव प्लस टू रूट सिक्स, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइव माइनस टू रूट सिक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास टेन आ गई। कितनी आ गई हमारी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, टेन आ गई। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर जो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे को निकालना है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी। ठीक है, ये प्लस में टू ए बी अगर जो मैं इधर भेज दूँ, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया, ये देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टेन का होल स्क्वायर माइनस में क्या था हमारे पास, टू, और ए क्या निकला था हमारा, वन निकला था, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टेन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास हंड्रेड आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, टू, बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, नाइन्टी एट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, 98। तो इस हिसाब से क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या आता है हमारे इसके अंदर क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा।
ठीक है दोस्तों, मैं आगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज वो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, पेपरों के लिए धन्यवाद दोस्तों, कीप सपोर्ट दोस्तों।